हियर इज द क्वेश्चन. द फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज एच एक्स ओ टू. द मास ऑफ 0.0242 मोल्स ऑफ द एसिड इज 1.657 ग्राम. ओके, आपके पास एक एसिड का फॉर्मूला गिवन है एच एक्स ओ टू, इसके 0.0242 मोल्स का वेट कितना है 1.657 ग्राम. ओके, फिर हमें पूछा है कि व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स. हमें क्या बताना है, इस एक्स का एटॉमिक वेट हमें कैलकुलेट करना है. तो देखो स्टूडेंट कैसे करोगे, हमारे पास जो मोल्स है 0.0242 मोल्स ऑफ एसिड का वेट कितना है 1.657 ग्राम है. अगर 0.0242 मोल का एसिड जो है, उस मोल का एसिड का अगर वेट 1.657 ग्राम है, तो वन मोल एसिड का वेट कितना होगा ग्राम के अंदर. तो कैलकुलेट कर लो, गिवन मास ये हो गया ग्राम अपॉन हियर इज अ मोल 0.0242 मोल. तो देखो एक मोल का जो मास होता है ना, एक मोल का मास अगर ग्राम में गिवन है तो क्या है उसका मोलर मास है, क्या है उसका मोलर मास है. तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 68.47 ग्राम पर मोल. क्या आ जाएगी 68.47 ग्राम पर मोल. मतलब कि एक मोल एसिड, मतलब कि HXO2 का मोलर मास आ गया आपके पास कितना है 68.47 ग्राम. अब क्या करेंगे, जो टोटल मोलर मास है ना, टोटल मोलर मास, इस टोटल मोलर मास में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलर मास को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. तो लेस कर दो, कितना है ऑक्सीजन का होता है 32 और हाइड्रोजन कितना होगा 1 33. तो 33 इसमें से हटा दो तो जो बचा 55 समथिंग कुछ बचेगा आपके पास. ठीक है, सॉरी आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो कैलकुलेट करने पर ये 7 9 10. ओके, यहां से तो 0.47 ही जाएगा और ये हो जाएगा 5 35.47. कितना आ जाएगा 35.47, मतलब कि अप्रोक्स 35.5 के अप्रोक्स है. तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट.